अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज का व्लॉग होगा हाजी निजामुद्दीन बाबा का, जिन्होंने 7 मरतबा पैदल चलकर हज किया है, और इनकी शॉर्ट डिटेल्स में आपको इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। तो आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। अब मैं मिलता हूँ आपको वीडियो की एंडिंग में। निजाम हस्ती
जो निजाम हस्ती चला रहा है वही खुदा दिखाई भेजो न दे नजर भी जो आ रहा तलाश उसको न कर बुतों में वो है बदलती रुतों में जो दिन को रातों रात को दिन बना रहा है वही खुदा है वही खुदा भी रखे समाते भी वो जान लेता है नियत सरफुद्दीन सरफ धनतेज हुए मैं धनतेज में रहता हूँ हाजी निजामुद्दीन वहाँ के चाहने वाला हूँ जमादी आकर के 22-20 तारीख को इनका उर्स मनाया जाता है सानक चौकस से जुलूस निकलता है और हर मान कौम के लोग यहाँ पर मन्नतें मुरादें लेके आते हैं सबकी मुरादें पूरी यहाँ होती है हाजी बाबा सब के दिलों को खुश करते हैं हाजी बाबा हमें इतना प्यार देते हैं वो जरे को भी निखार देते हैं जिसे मिटा न सके खिजा सरफ वो हाजी बाबा बाहर देते हैं दरे निजामुद्दीन पे जो भी आता है मेरा दावा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाता है मयसर होती है खुशियाँ सभी दामन मुरादों से भर जाता है यहाँ पर हर कौम के लोग मानने वाले हैं हिंदू मुस्लिम 2002 के दंगे पे हुए फिर भी यहाँ पर किसी को बाल तक बाका नहीं हुआ और सब अमन चैन से रहते हैं हाजी बाबा इनका नाम निजामुद्दीन है ये भोपाल के रहने वाले हैं आपने 7 बार तो चल पैदल करके किए और आपका करिश्मा है आपके मदरसे में पढ़ने वाले आते थे आपको 7 रुपये तनख्वाह पगार मिलता था और दिन भर बच्चों को चाय नाश्ता सब दिलाते थे करते थे और किसी मिस्किन को भी आप खाली हाथ नहीं जाने देते थे आप किसी में हाथ डाले बच्चों को कुछ भी कुछ देते रहते थे और एक मरतबा हमारे बड़े अब्बा थे शेर मोहम्मद उन्होंने बोला कि बाबा इतना सब सोचते मन में इतना सब बाबा कहाँ से लाते हैं कैसे देते हैं तो आपने बोला शेर मोहम्मद दे रहा हो क्या है बाबा कि देखो जाओ पेट
पेटी खोल के देखो, तुमने पेटी खोल के देखो तो हेपक में आ गए। वो उसमें पूछा शेर मोहम्मद क्या है बाबा, इसमें क्या नहीं, दुनिया की नेमत इसमें है, पैसा टका सोना चांदी सब इसमें है। अच्छा बंद कर दो, तो बंद कर दी पेटी। और फिर बाद में जाके देखते हैं तो कुछ भी नहीं, कागज ही नजर आते हैं ये, इनकी जीती जागते करामत है। और एक दफ़ा जब तो पैदल चलते थे, जाने के लिए कुछ सामान नहीं था, सवारी नहीं मिलती थी, गाड़ी डम्बड़ी में चल के जाते, बैठ के जाते थे। एक मरतबा हमारे भाई अली मोहम्मद, हमारे बड़े अब्बा के लड़के, राजगढ़ जाते थे, जब तो रस्ते में ऊँची ऊँची रस्ते खड्डे वाले, वहाँ से किसी खेत का पानी भी आया होगा तो रस्ते में पानी भर गया और डम्बड़िया फंस गया। और अब क्या करेंगे, तो बाबा के अब कोई बुलाएंगे गाँव वालों को और रास्ते में गाड़ी को डम्बड़ी को निकालेंगे बाहर, फिर आप आगे बढ़ेंगे। यूँ करके आगे चल के बैठते हैं, इतने देखते हैं तो खुदा खुदा ऐसे आप ऑटोमेटिक आपसे निकल के बैठ गया, बाहर निकल गया डम्बड़िया। इनकी जराम गराम मत है। मैं आपको हाजी निजामुद्दीन बाबा के बारे में मनकबत जो मैंने कई वर्षों पहले लिखी हुई थी गुजराती में, वो आपके को पेश करता हूँ। तूफान मोछे कश्ती, तूफान मोछे कश्ती दूर से किनारो, हाजी निजामुद्दीन बाबा। व्यथाना वमण में फंसी मारी नैया, व्यथाना वमण में फंसी मारी नैया, तमो आवी उगारो हाजी निजामुद्दीन बाबा। पत्थर समो निस्तेज पड़े चो हूँ, पत्थर समो निस्तेज पड़े चो हूँ, तमो मुझे निखारो हाजी निजामुद्दीन बाबा। तव भरोसे छे नावड़ू मारू, तव भरोसे छे नावड़ू मारू, डुबाड़ो के तारो हाजी निजामुद्दीन बाबा। पलटाए जाए मारा जीवन निकाया, पलटाए जाए मारा जीवन निकाया, मरे जो तमारा नाम नो उतारो हाजी निजामुद्दीन बाबा। तमारा दर्शन काजे आवे छे सब कोई, तमारा दर्शन काजे आवे छे सब कोई, तमे पण पधारो हाजी निजामुद्दीन बाबा। घर मारू करो ने पावन, घर मारू कवन ने करो ने पावन, कोक दी तो मारे त्यां पधारो हाजी निजामुद्दीन बाबा। रन जो गमती थाकी गयो छे सरफ, रन जो गमती थाकी गयो छे सरफ, तमो आज आपो उतारो, तमो ज आपो सहारो हाजी निजामुद्दीन बाबा। व्यथाना वमण में फसकी चेंबारी नैया, तमे आवी उगारो हाजी निजामुद्दीन बाबा। वालेकुम। दंतेज गाम ऐसी बस्ती है जिसमें हाजी बाबा जैसी हस्ती है, और उनके रोजे पे जाके देखो आज भी रहमत बरसती है। हम जिंदगी से यूँ कनारा कर लेंगे और दंतेज की गलियों में गुजारा कर लेंगे, हाजी बाबा का करम है जब तक सर पर तो जमाने वाले हमारा क्या कर लेंगे। तुम्हारी चश्मे करम जिस पे भी आम हो जाए, जमाने भर में वो आली मकाम हो जाए, जिसे तुम अपना गुलाम बना लो या हाजी निजामुद्दीन बाबा, उस गुलाम की दुनिया गुलाम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सरफुद्दीन है, ये हाजी निजामुद्दीन बाबा ने नाम दिया है, इससे मेरा वालिद का नाम फ़तेह अली है। और हम मेरे से पहले मेरे तीन चार भाई इस दुनिया से कुछ कर गए, हाजी बाबा ने किया कि आपके नाम बाद लड़का है उसका नाम सरफुद्दीन रखना, तो मेरा नाम सरफुद्दीन रखा। ये हाजी बाबा का कलम से मुझे शरफ मिला है, मैं कुछ लिख सकता हूँ बोल सकता हूँ। हाजी बाबा हर कौम के लिए चाहते हैं, हर कौम चाहती है, हर कौम मानने वाली है। जो मेरा चांदा यहाँ मेला जमा रहता है, मुझे बचपन में एक बार मैं बीमार सा हो गया, हाजी बाबा ने याद किया कि देखो फतेह क्यों नज़र नहीं आते, तो क्या किसी ने किया बाबा इनका लड़का बीमार हो गया, या अल्लाह अभी तो मैं हूँ हया तू जाओ लिया हो गए। और मेरे को लेके हमारी फूफी हाजी बाबा के पास गए, तो हाजी बाबा ने कुछ पढ़ा और फूक मारी मुझे दी, ना आपके साफे में सी थोड़ा कपड़ा टुकड़ा निकाला और लो इसको जबला बना के पहनाई हो। तो बचपन में मैंने हाजी बाबा के साफे का जबला पहना है। और हाजी बाबा मेरे बचपन के आलम में कम सी उम्र थी मेरी, मैंने देखे थे होंगे शायद, पर मेरे ख्याल बाहर है क्योंकि मेरे बचपन आता कम सी उम्र थी। हाजी निजामुद्दीन बाबा दंतेज में रहते थे, बराबर है, इनके लिए सारा गांव इबादत करता था। इनके लगभग 10-15 वर्ष में लड़कों को तालीम दी और आलिम भी बने, या इन्होंने सब पूरी नमाज पढ़ाई और इनके लिए है सब मानने लगे। इनको जब तबीयत ख़राब हुई तो यहाँ इनको उनका आगे एमएसएन भाई है इनके वहाँ आगे इनकी तबीयत खराब होने से सारवार के लिए यहाँ लाए तो बिल्कुल तबीयत है। इसमें हम दोनों, मैं और खलील धनतेज भी दोनों हैं, इनकी सेवा करते थे। इनकी बीमारी की हालत में थे, पंखा दिए, हवा देंगे, फिर पानी देंगे, इसने हमारे साथ में खलील धनतेज भी थे और मैं, हमारे दोनों के सामने इन्हें इंतकाल हो गए
और इनको क्या करा, खाली धनतेज के खोले में सिर रख के इन्होंने दम तोड़ दिया। ऐसे में अहमद सैन भाई करके से आगे बड़ी ग्राम के आगे वाले उन्होंने आगे इनके कार्य में अजान दी। तो आपको पसंद आया हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो शेयर करना है, उन्हीं लोगों को शेयर करना है जो वीडियो में इंटरेस्टेड हो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम। Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah.